हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान प्लस स्टडी। बीपीएससी लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, आज की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्या नोटिस है इसके बारे में बताएंगे ही बताएंगे, और आपको लगभग पता भी चल चुका होगा क्योंकि काफ़ी समय पहले इस विज्ञापन को जारी कर दिया गया था, इस नोटिस को जारी कर दिया गया था। बीपीएससी 3.0 से यह बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। उसके परीक्षा के टाइम टेबल से संबंधित यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि जल्द ही एग्ज़ाम इसका कराया जा रहा है, वो भी 15 से 20 दिनों के अंदर यहाँ पे नोटिस में ये दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट किया जाए, चीज़ों को डिटेल से देखा जाए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल नोटिस नोटिफिकेशन है। विज्ञापन संख्या 22, परीक्षा 2024, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा आप देख सकते हैं 3.0। परीक्षा का कार्यक्रम और विषय से संबंधित यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। क्या नोटिस है यहाँ पे देख सकते हैं, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 3.0 का जो है 15/3/2024 को दो पालियों में, 15 मार्च को दो पालियों में तथा 16 मार्च को एक पाली में आयोजित किया जाएगा। तो 15 मार्च और 16 मार्च को टोटल तीन पालियों में यहाँ पे एग्जाम कराए जाने की बात की जा रही है। 15 मार्च की तारीख में प्रथम पाली का जो समय पीरियड होने वाला है 9:30 से 12 बजे तक, जिसमें विषय गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू को रखा गया है। शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग के 6 से 8 वर्ग के सभी विषय इसमें रहने वाले हैं। वहीं द्वितीय पाली 2:30 से 5 बजे के बीच में विषय रखा गया है सामान्य उर्दू एवं बांग्ला। इसके शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग 1 से 5 के सभी विषयों के लिए, विषय सामान्य अनुसूचित जाति एवं अनजात कल्याण विभाग 1-5 के लिए, तो 1 से 5 के लिए यहाँ पे रखा गया। वहीं 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख को 12:30 से 2:30 बजे तक की एक पाली की परीक्षा रखी गई है, जो कि शनिवार के दिन में। विषय इसका हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान। वहीं शिक्षा विभाग वर्ग 9 से 10 माध्यमिक तथा विशेष विद्यालय अध्यापक पद के सभी विषयों के लिए, वहीं अनुसूचित जाति एवं कल्याण विभाग वर्ग के 6 से 10 कंप्यूटर विज्ञान, संगीत, कला विषय को छोड़कर सभी शेष विषय रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने जो विषय के अनुसार आपने जिसमें फॉर्म अप्लाई किया है उसके अनुसार इस नोटिस को देख सकते हैं। नोटिस में यह दिया गया है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत 11-12 के सभी विषयों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 6 से 10 कंप्यूटर विज्ञान, संगीत, कला विषयों परीक्षा के लिए सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो इतनी भर्तियों के लिए अभी तक सूचना जारी नहीं किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसकी सूचना जल्द ही आपको बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका एग्ज़ाम 15 मार्च 16 मार्च को रखा गया है, उनके लिए अब ये बड़ी चुनौती है कि कम दिनों में इतने जल्दी से एग्ज़ाम की तैयारी कैसे किया जाए। बीपीएससी लगातार ऐसे ही स्टेप चल रही है काफ़ी दिनों से, तो ये लाजमी हो जाता है। आपको पहले से भी आभास हुआ होगा जो कि विज्ञापन में पहले ही बता दिया गया था। फिलहाल इससे संबंधित जो नई अपडेट आएगी तो हम आपके सामने समय समय पर नए अपडेट लाते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।